तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आज हम बनाने वाले हैं तिल और गुड़ के लड्डू। मात्र 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप इन्हें। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इन्हें बहुत इजीली से बना पाएंगे और ये बहुत ही अच्छे होते हैं सर्दियों में। तिल और गुड़ आपको पता ही है, भरपूर कैल्शियम होता है इनमें। बच्चे कई बार तिल वगैरह नहीं खाते, लेकिन आप इस ट्रिक से बनाइए, बच्चे भी ज़रूर खाएंगे इन्हें, क्योंकि जो तिल होते हैं वो इसमें पिस जाएंगे, बच्चों को दिखाई भी नहीं देंगे और बहुत सॉफ्ट से मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट बनते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने 1 कप यहाँ पर तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले तिल हैं ये। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कप से हम गुड़ लेंगे। ये देखिए 3/4 मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, मतलब 1 कप से कम गुड़ लेंगे यहाँ पर। तो मैंने एक ही बर्तन से मेज़रमेंट करा है और हम इसमें थोड़ा सा घी का यूज़ करेंगे और इलायची, हरी वाली इलायची है फ्रेंड्स। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, तिल, गुड़, घी और इलायची, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक भारी तले की कढ़ाई या फ्राई पैन कोई भी लें, थोड़ा भारी टाइप का बर्तन हो। अब तिलों को उसमें हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट से भी कम कंटिन्यूसली इनको चलाते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी आपको, क्योंकि अगर ये हल्के से भी नीचे लग गए तो लड्डुओं का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आप इन्हें कंटिन्यूसली चलाते रहिए, सिर्फ 1 मिनट से कम भुनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे ये। तो फ्रेंड्स ये भी भुन जाते हैं ना, थोड़े से मोटे मोटे से हो जाते हैं, फूले फूले से। तो ये देखिए आप देख सकते हैं फूले फूले से हो गए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा कर कर हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं और मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अब इन्हें हम पीसेंगे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए पीसेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे मिक्सी को, नहीं तो इनका एकदम पेस्ट सा बन जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड, ये देखिए 5 सेकंड में ये दरदरे से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है इन्हें। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे गुड़, जो हमने 3/4 गुड़ लिया था, और 3/4 इलायची को पीस कर डाल लेंगे इसमें पाउडर बनाकर, और 1 चम्मच घी। तो अब इन्हें हम सबको एक साथ डालकर पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए पिस गया है हमारा, लेकिन ये जो इसका पेस्ट है थोड़ा बंधा बंधा सा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको चला लिया है, तो ये देखिए अब ये बंधा बंधा सा हो गया है, मैंने थोड़ा घी डाल के थोड़ा सा ग्राइंड किया था इसको। तो फ्रेंड्स जब अगर आपका ये पेस्ट बंधा सा ना हो तो आप उसमें घी थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि घी तो अच्छा लगता है लड्डुओं में वैसे भी। ये देखिए इसको इस तरीके से गोल गोल करके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा लड्डू, बहुत इजीली बन जाते हैं ये। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति आ रही है, सकट आ रही है, तो इन फेस्टिवल्स पे तो ये हर कोई घर में बनते ही हैं, मोस्टली सभी घरों में बनते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा इनसे की जाती है। तो आप बनाइए, बहुत अच्छे आपके लड्डू बनेंगे और बहुत जल्दी से बनकर तैयार होते हैं, बहुत झंझट भी नहीं है। जिनको बिल्कुल मिठाई बनाने नहीं आती वो भी इसको बहुत इजीली से बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है हमारा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। तो आइए इन्हें हम तोड़कर भी देख लेते हैं अंदर से कैसे बने हैं ये। तो ये देखिए वेरी गुड, इतना सॉफ्ट, एकदम मस्त मक्खन जैसा लड्डू। जैसे फ्रेंड्स कई बार घरों में बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, दांत ही नहीं होते बड़े बूढ़ों के, तो वो भी इन्हें इजीली खा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, और इनको देखकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी खुश हो जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे बनेंगे। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।